दुनिया का सबसे महंगा घर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा घर कहीं और नहीं बल्कि अपने भारत के मुंबई शहर में है। आप जान ही गए होंगे कि हम देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटिलिया बंगले की बात कर रहे हैं। इस बंगले को बनाना मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने बाकी सारे कामों को साइडलाइन कर दिया था। मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका यह आलीशान बंगला दुनिया में सबसे हटके दिखे, इसलिए इस बंगले के कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने किसी ऐसी वैसी कंपनी को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी कंपनियों को सौंपा था। इस बंगले को बनाने में जो रकम खर्च हुई उतनी रकम आज तक किसी दूसरे आदमी ने अपने बंगले को बनाने में खर्च नहीं की। आखिर कैसे हुआ मुकेश अंबानी के आलीशान बंगले का कंस्ट्रक्शन और क्या है इस बंगले की खासियत, आप जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी देश के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। भाई अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े आदमी का घर कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं, और छोटा मोटा घर बनाकर इतना अमीर आदमी अपनी इमेज को डाउन करना भी नहीं चाहेगा। इसलिए मुकेश अंबानी ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अपने आलिशान बंगले का कंस्ट्रक्शन करवाया। एक बंगले के कंस्ट्रक्शन के बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया था। मुकेश अंबानी ने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इस बंगले के कंस्ट्रक्शन में झोंक दिया था, लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी ऐसा कहा जाता है कि एंटीलिया बंगला दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर है। अरे यार, तो फिर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आखिर फायदा क्या हुआ? पर मेन बात पर आते हैं, यानी बंगले के कंस्ट्रक्शन से जुड़ा सवाल। बात शुरू होती है धीरू भाई अंबानी के निधन से। हम सभी जानते हैं धीरू भाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में किस तरह कामयाबी हासिल की, लेकिन साल 2002 में जब उनकी मौत हुई तो उनकी मौत के बाद उनकी पूरी जायदाद उनके दोनों बेटे यानी कि मुकेश और अनिल अंबानी में बांट दी गई। जाहिर सी बात है कि जब जायदाद का बंटवारा हो गया और सिर से पिता का साया उठ गया तो कोई भी बेटा अपना दिमाग तो चलाएगा ही। ऐसे में मुकेश अंबानी ने दुनिया का सबसे आलीशान बंगला बनाने का फैसला किया और उस फैसले पर अमल करने के लिए जी जान से जुट गए। अपने बंगले को बनाने के लिए सबसे पहले मुकेश अंबानी को एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जो 27 मंजिला उस ऊंची इमारत का भार आसानी से सह सके और भूकंप या कोई भी नेचुरल डिजास्टर की मार आसानी से झेल सके। इसके साथ ही बंगला बनाने के लिए ऐसे इलाके में जमीन चाहिए थी जो इलाका मुंबई की मेन स्ट्रीम में। आखिरकार बंगला बनाने के लिए जमीन ढूंढ ली गई मुंबई के अल्ट्रा माउंड रोड पर। ये जमीन मिली किसी अनाथ आश्रम की थी जिसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया गया। बता दें कि जमीन खरीदने के लिए ही 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए और फिर लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर जमीन पर मुकेश अंबानी के सपनों का महल खड़ा करने की कवायद शुरू हुई। जब इस बंगले का एस्टिमेट निकाला गया तो इसे बनाने में लगभग $2 बिलियन का खर्च आने का अनुमान लगाया गया। इतनी बड़ी रकम खर्च करने पर मुकेश अंबानी शुरुआत में थोड़ा सोच विचार कर रहे थे, इसलिए बंगले की कंस्ट्रक्शन का काम साल 2006 में शुरू करने का फैसला लिया गया। लेकिन अब जिस प्रकार का बंगला मुकेश अंबानी बनाना चाहते थे वैसा बंगला बनाने वाली और मुकेश अंबानी की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली कंपनी की तलाश थी, जिसके बाद काफी तलाशने पर मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया ऑस्ट्रेलिया की एक नहीं बल्कि दो कंपनियों पर। ये दोनों कंपनियां काफी नामचीन थी जिन्होंने इससे पहले भी कई अद्भुत इमारतों का कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। ऐसे में इन्हीं कंपनियों को एंटीलिया का काम सौंप दिया गया। एक बंगले की डिजाइन बनाने के लिए भी विदेशों से डिजाइनर को बुलाया गया और नीता अंबानी की देखरेख में बंगले का डिजाइन तैयार किया गया। अब बंगले का डिजाइन भी तैयार था और इस डिजाइन को बिल्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए कंपनियां भी तैयार थी, इसीलिए जल्द ही काम की शुरुआत कर दी गई। हम जानते हैं कि किसी भी गगनचुंबी इमारत की कंस्ट्रक्शन में सबसे अहम होती है उसकी बुनियाद यानी फाउंडेशन। बता दें कि एंटीलिया बंगले की फाउंडेशन बनाने में इंजीनियर्स ने वही तरीका अपनाया जो तरीका दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन बनाने में अपनाया गया था। एंटीलिया के फाउंडेशन में लगभग 200 पाइल्स जमीन के अंदर डाले गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये बिल्डिंग भूकंप के झटकों को झेल सके। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम तेज गति से शुरू किया गया। बता दें कि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने इस बिल्डिंग का काम साल 2010 तक यानी सिर्फ 4 साल में खत्म करने की शर्त रखी थी। मुकेश अंबानी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी अपने बड़े भाई के इस बंगले के कंस्ट्रक्शन को देखकर वहीं पास में अपने भी बंगले का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। अनिल अंबानी भी चाहते थे कि उनका बंगला दुनिया का सबसे आलीशान बंगला हो। ऐसे में मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला अनिल अंबानी के बंगले से पहले बनकर खड़ा हो जाए। ये कारण था कि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने सिर्फ 4 साल में एंटीलिया को पूरा करने का काम करने की डेडलाइन रखती थी, जिसके बाद तेजी से एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो गया। लेकिन इंजीनियर्स के सामने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ये समस्या थी कंक्रीट के जमने की समस्या।
बता दें कि मुंबई का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है गर्मियों में। ऐसे में जब सीमेंट कंक्रीट को ऊपरी मंजिल पर लेकर जाने का काम चल रहा था, तो वो कंक्रीट काम में आने से पहले ही जमकर ठोस बन जाता था। इसीलिए इंजीनियर्स को इस समस्या से जल्द ही निपटना था। ऐसे में इंजीनियर्स की टीम ने सीमेंट कंक्रीट का काम रात में शुरू करने का फैसला किया और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए। आखिरकार साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी का ये सपनों का महल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश अंबानी साल 2010 में अपने बंगले में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि मुकेश अंबानी ज्योतिष शास्त्र में काफी विश्वास रखते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पंडितों से जाकर घर में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकलवाया, जिसके बाद पंडितों ने उन्हें साल 2012 में अपने गृह प्रवेश की अनुमति दे दी। आखिरकार साल 2012 में धूमधाम से मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ अपने इस आलिशान बंगले में प्रवेश किया। इस समय मुकेश अंबानी 50 पंडितों को बुलाकर बड़ी पूजा कार्यवाही और पूरे विधि विधान के साथ अपने घर की वास्तु शांति की पूजा भी करवाई उन्होंने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग $2 बिलियन की लागत से बना हुआ 27 मंजिला यह आलिशान बंगला काफी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस बंगले में 3 हेलीपैड है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है, एक पूरा का पूरा मंदिर है, प्राइवेट गार्डन है, 50 लोगों का एक साथ बिठाकर फिल्म देख सके ऐसा मिनी थिएटर है। इसके साथ ही बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। बता दें कि मुकेश अंबानी को महंगी और लग्जरियस गाड़ियों का बड़ा शौक है और उनके पास करोड़ों रुपए की कुल 168 गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके इस बंगले में 7 मंजिला गैराज भी बनाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि यह बंगला क्या खूब होगा जहाँ 7 मंजिलों में आलिशान विदेशी गाड़ियां ही रखी होंगी। लेकिन इस आदमी को इतनी सारी सुख सुविधाओं वाले बंगले में भी चैन नहीं पड़ा, इसलिए अब मुकेश अंबानी ने अपने एक और नए बंगले का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी ने लंदन के बकिंघम शायर में स्टॉक पार्क में कुल 300 एकड़ जमीन खरीदी है। इस जमीन पर मुकेश अंबानी ने 600 करोड़ की लागत से 50 बेडरूम वाला आलिशान बंगला बना डाला है। लेकिन आखिर क्यों मुकेश अंबानी को नए बंगले की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल बीते लॉकडाउन में जब पूरा देश थम सा गया था, तब पूरा अंबानी परिवार अपने एंटीलिया बंगले में कैद हो चुका था और काफी उबाऊ सा महसूस कर रहा। ऐसे में उन्हें अपना मनोरंजन करने के लिए थोड़ा समय गुजरात के जामनगर में भी बिताना पड़ा था। उसी समय मुकेश अंबानी ने तय किया था कि वो नई जगह पर नया घर बनाएंगे, जिसके बाद उन्होंने लंदन में जमीन खरीदी और उस पर अपना आलिशान बंगला बनाकर खड़ा कर डाला। बता दें कि 2021 की दीपावली पूरे अंबानी परिवार ने उसी बंगले में मनाई। हालांकि अंबानी परिवार एंटीलिया को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं, बल्कि वे अपना कुछ समय लंदन वाले बंगले में बिताएंगे और कुछ समय एंटीलिया में भी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मुकेश अंबानी के इस आलिशान महल और नए बंगले की जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। मुकेश अंबानी के इस आलिशान बंगले को लेकर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और जितना हो सके ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग भी देख सके क्या दिलकश बंगला है। कल फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव, एक और जानकारी, एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।